हेलो गाइस, राम राम सबने। एक नए व्लॉग में आपका सब स्वागत है लाटरे फैमिली की तरफ से। आज देखिए क्या के करण लाग रहे हैं हम। आज जो परी छवि हैं वो रस्सी कूदन लाग रही हैं। शाम के वक्त चुके हैं 4:30 और इन्होंने आज डिसाइड कराया है कि ये रस्सी कूदेंगे। और मैं जो मन दूध गर्म होना रख दिया है, सांझ का दूध उबलन लाग रहा है और ये रस्सी कूदन लाग रही है। मैं दिखाऊँ हूँ सांझ का मारा के क्या काम होगा, क्यूकर क्यूकर कर जाएगा, कौन कौन करेगा ऐसे करना करण वाली। तो मैं एक हूँ, एक बार दूध देख लूँ। दूध में थोड़ा सा टाइम रह रहा है हूँ मैं। अरे छवि का आ गया है पसीना, छवि का पसीना आ रहा है। परी कूदन लाग रही है, चलो मैं दिखाऊँ हूँ तुमने। ये देखो भाई, परी जो है रस्सी कूदन लाग रही है बड़े बढ़िया तरीके से। आज तो छोरी ने डिसाइड कराया है कि यार रोज की रस्सी कूदेगी। क्या पाँचवी 111 करके 511 कूद ली छोरी। ओके ठीक है, 511 कूदी इसने छोरी ने। अरे तने क्या कूद ली है परी? 300 इस छोरी ने। तू कम कूद रही है बेबे। जाए छबी, ए छबी तू जाके दूध देख, मैं छोरी ने देखूँ एक बार कूद है ना कूदती। या करे चीटिंग, चीटर खोर कुछ भी करे जा है। दूध आ गया है, मैं देखूँ बेटा। या झूठी छोरी है इतनी, इबा दूध उबला नहीं है, बस गर्म होना शुरू होया है। ताता हूँ दियो लगा दिया है। आज इनके बनाऊंगी मैं स्पेशल चावल। और या छोरी कूद ले छोरी, तू पटेगी मेरे दौरा है। या कूद के नहीं देती या छोरी। तो बाबू की और नवीन की तो मैंने रोटी बना कर दे दी थी, उन्होंने उड़े कुछ बना रखे अपने खा लेंगे आप। नहीं उस चीज़ की कोई टेंशन है नहीं, मन तो कोई टेंशन नहीं है। और मैं मेरे परी और छवि के बनाऊंगी चावल, क्योंकि आज है संडे और संडे को हम बना देते हैं भंडे। जो इनका जिक्र करो वो करा करो। हमेशा ज्यादातर तो संडे को आलू के पराठे बनते हैं। सुबह सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे, मैं रीच बना नहीं पाई क्योंकि मेरे को गुस्सा आ गया था। इनने मेरी गला लड़ाई कर ली थी। मैंने बोला था ब्लॉग बनाने का शुरू कर दो बेटा एक बार, और मैं देख लूंगी। ये फिर मानी नहीं, ये बोली हाँ हम कर रहा न्यू कर रहा। फिर मेरा छो उठ गया तब मैंने इनता बोल दिया मेरा ब्लॉग बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सांझ बना लूंगी, देख लूंगी जिक्र बना कर बने जाएगा। ये दोनों एक सी हैं, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक नट जाएगी एक हाँ भर लेगी, जिस दिन मैं कहूँगी ना वह तो नट जाएगी और जिस दिन ना कहूँगी ना वह हाँ भर लेगी। फिर छो तो उठा जावा है मेरा। और मन बार बार दूध का लखाना पड़ रहा है क्योंकि दूध है ना उबलने वाला है। और ये उबाल के दे दूंगी, कल हम यूज करेंगे। जो कल मैंने उबाल रखा था ना कंचा, ईसु का कंचा या लिया ईसु का कंचा। कंचा भी खेलन जी करे जा है, पहले तो बचपन में मेरे खेला कर दे कंचे, मेरे बिटोल दिया कर दे मेरी काकी ताई और सारी सारी। यो छोरा आ गया यो खेला कर कंचे मंगता है यो। वैसे तूने गिराया क्यों इसका कंचा? गिर गया। अरे परी ने कही मना दियो, देखो कंचा दे 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 दे। तब मैं भी जूते पहन लियो हूँ आज थोड़ी रस्सी में भी ना कूद कर दिखाऊंगी सारी भर मोटी मोटी करे जा। मैंने कहे जा है तेरे तक कौन कूदी जा माँ, आज मैं ना ना आकर दिखाऊंगी। हमने आपका नाम क्या रखा है? के आपका नाम क्या रखा है? दो दो इन ये कदे आलू धरा है मेरा नाम, कदे बालू और कदे पांडा पांडा ना क्या केड़ो लूर बोलू के बरा के कहे जा है। मैंने मैं इनकी कुछ नहीं कहती तो ये मेरा उस चीज का फायदा उठाए रहा वह है कुछ हो कह दे वह है। पापा का नाम भी अनी मसी है। अरे पापा ने बंदर का आग रहे मेरे तो चिड़िया है अप्पू का, इसका चिड़िया है छवि का और परी का गोलू है। और परी मुझे कहती है ढोलू। अरे ये मैं रस्सी कूदूंगी पतली हो जाएंगी फिर मैं तो गज्जे तय। मम्मी गर्मियाँ कब आएगी? कब मैं आइसक्रीम खाऊंगी? इसका लग गया आइसक्रीम की आग,
इसने आइसक्रीम खानी है। खुद ले खाली तू बैठेगी, खुद ले। या मेरी बात कति नहीं मानती, सॉरी चाचा तू मेरी बात मान जाया कर। देखो मेरा लेटने नहीं तो और आज तो मैंने बहुत घने दिन है मकाना के पैर रहे हैं। मम्मी नहीं तो तेरे लागे हैं। मम्मी ने पहली बार बेफालतू में मेकअप किया। की तो मेकअप करया बेटा, देखिए कुछ भी नहीं करा, पहले भी किया था। आए थोड़ी सी सुतरी लागण थी कर लियो तो के आग लग गई। देखो मम्मी की चोटी ऊपर, रुको मैं मम्मी आपके लगे होगा मां अपने बाल कटवा लिए छोटे के बाल। आज ये सारे नहीं गए हैं तने मां बाल कटा लिए। और मैंने क्या मैं कटा लिए बाल, मैं सुपर ठाके चोटी कर ली हाड़ कति ऊपर तो ना ना छोटे लगा। ये छोरा इतना चस्की है अरे आंगन में खेलन लग गया अपने ऊपर। ना बेटा बाल खिंचा छोरी कच्चा तो कूद ले चे मैंने दे दे रसी मैं कूदूंगी। मैं आज जितनी कूद सकती हूँ कूदूंगी। तू कितनी कूद सका है? मैं कौन ही दूँ? अब तक तो मैंने 511 की। मैं कौन ही दूँ? एक बार इस तब मांगो। चलो यार कूदन तो लग गया छोरी ना। तो पहले तो यार एक कूदती, दो कूदती, तीन कूदती भी 50-60 तक कूद ले वह लगातार। बस थक गया अरीब ने कहा आप कूद लो। ई ब्या जो छोटी छोरी है ना या मेरी, या मेरा जीना आराम रखा है या करे जा है। मैं कूदूंगी, मैं कूदूंगी। देखो बांगो सी क्यों कर कूदे गिर बांगो सारी पैसे कूद रही थी तो फिर तेरे पैर एक जगह नहीं रह के कूद सकते था मैं ना। अच्छा लगता दादी को दिखाऊंगा दादी जब आएंगे ना। बस मैं शुरू कर रही है। चलो भाई कितनी कूदेगी? बेरा नहीं मतलब फिर भी कुछ टारगेट तो होगा। कोई टारगेट नहीं है, कूदूंगी से तनी कूदी जाएगी। 100-150 तो कूद जाती होगी। आराम तो कूद जाएगी। चलो चलो अब देखते हैं भाई ये कितनी कूदती है। चल भाई इसकी तो रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई, एक तरफ का हैंडल गया। बाल खुल गए मेरे। ना बाल तो जाएगी तान। मतलब हो जाएगी। फिर शुरू करेगी। और चलो भाई मेरे पास एक रस्सी थी, रस्सियों की ऐसी। हाँ, अबकी बार एक रस्सी ले लाई जाएगी। लाऊंगी ठीक है। अभी खुल गए मेरे तो। हाँ चलो फिर दोबारा स्टार्ट हो रही भाई है। एक तो है शुरू करो। हाँ एक तो है। ये कौन सी बात है? हाँ वो तेरी गलती। देखिए कितनी कितनी स्मूथली कूद रही है ये। इसके स्टेप भी फिर अटक गई, फिर अटक गई और पूरे के पूरे खुल गए इसके बाल। रस्सी गई है तेरी जा। जिस दिन कूदन की सोच ली उस दिन क्या मैंने क्या हो जाए। चलता बारिश आ जाए आज यार रस्सी हेलो भाई पता नहीं मत हो तो। नहीं इनको तो गोलू ही अच्छी लग रही है, ये क्या कर रहे हैं? अब ये देखो भाई इसको ये गोलू गोलू अच्छी लग रही है ना। हाँ मुझे आए ये देखो पोपट बन गया मेरा तो। ये गोलू बैठी बैठी ये गोलू ये गोलू बोल रही है पोपट हो गया पोपट पोपट। कल 5 बजे उठ के लाऊंगी एक्सरसाइज। ये देखो भाई इन दोनों माँ बैठी आगी। तू भी करेगी बोलू? माँ उठेगी तो बेटी अपने आप उठ जाएगी। उठना पड़ता है। उठना पड़ता है। उठ के कुछ नहीं है ये भगवान है। ये मैं ना बनाऊं चावल। तू कौन सी उठ के खुश है? उठा तो जाता नहीं। हाँ गोलू गोलू कैसे उठती है ये? 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट तक तो बिना कहे मम्मी आज आपने कही थी जब तू पैर में उठा लेना। फिर तो पैर में और वो अभी क्या बजे सोती? चल तू बता ये मैं ना 4 2 बज के 45 मिनट पे सोई पौने 3 बजे
अरे इसने मैं 3 बजे ठान लगी, 3 बजे क्यों? 2:50 पे तो क्या बोलने लगी थी वे? क्या बोल रही थी? एसएसटी के बोलने लगी। फर्टाइल सोइल अगर है। ब्लैक सोइल, लाइट्रेट सोइल। सोइल बोला थी। मठा दी से तो मट्टी में तू मठा दिया आज तो। अरे यार भी क्यों मैं याद युद्ध कर रहा है? नहीं। तरह थी याद कर रहे थे? नहीं कल क्या थे? आज कर रहे थे रे। कब किया? पढ़ रही थी तो पैर में। क्या? बताए क्या पढ़ रही तू? चल चल कर। इंग्लिश का पढ़ रही सॉरी। ग्रामर में। इंग्लिश। आए इंग्लिश तो ना आवे भी। और आवे। इंग्लिश। बोल के दिखाओ इंग्लिश। 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 बोलते हैं ना ना। चलती चलती चलत चलंती और मैथ में नौ तो ग्यारह मैथ तो ऐसा था दसवीं तो मसा संभाला था हाल नहीं आया कर जो कर छोरी क्यों कर रहा छोरी ने नहीं डांट कर रखा कर रहा है न्यू मैंने तो दसवीं थी मैथ संभाल कर रखा था हे आई तेरा मैथ तो इतना प्यार है मन तो इतना प्यार था मैथ कर अंग्रेजी कर छुट्टा का आज तक पेंड और अंग्रेजी तो फिर भी सारी उम्र तक रही मैंने मैथ भी सारी उम्र तक रहा था ना बीएड में जेबीटी में बी ना पढ़ाऊं उदाहरण देख कर तो मैं कुर्सी के सवाल करवा दे और तुक्का मार कर तो मस्त ठीक पाया कर मेरे सारे यह पागल छपरी तने पढ़ा दिया कर यार बता मैं पढ़ा है ओ यार मैंने मना किया पढ़ा यूनिकॉर्न ने इसे तू क्या मरवा दूँ इसे तू क्या मरवा दे न्यू बता दूँ न्यू एक उदाहरण देख कर ये न्यू होगा और वो न्यू हुआ पाया कर एक आधे सवाल में तो दो उत्तर लिखवा दी जो सा उत्तर ठीक बोला ए पेपे ये देखा भाई ये अच्छा ये न्यू होगा तो ये उत्तर होगा ये न्यू होगा तो ये उत्तर होगा उधर ही ना फार्मूला तो याद करे मतलब एक प्रश्न के दो उत्तर कटवा दिए हैं करेगी भाई चावल बना कल तो है ना मैं सूट लेके आऊंगी नरेश तरेश तरे सूट लेके आऊंगी इंची टेप ले जी ये सूट पर रख लागूंगी मैं इंची टेप ले जी टेप लेके जाएंगी मेरे जैसी लंबी ठाडी कावा है जब तो 44 इंच नहीं तैयार पंदा और पचास में आप पता मैंने 46-47 चाहिए था मार मार के पढ़ाते थे मामा सलवार पर 44 से मांगूंगी 46-47 हम ले लें आपको का हम ले ले हैं 46 नहीं फिर बिनू का लगा ले 46-47 हो गया सर उस पर पजामे आप ओपन प्लाजो लेके आओ एक आध दे पता चलो भाई अब ये चावल बना रही है अरे कढ़ाई में बनाऊंगी तो मैं मम्मी कढ़ाई में नहीं यार कढ़ाई में थोड़ी ना क्यों बेटा अपने तीनों आके तो बनानी है ये देखिए सब्जी आलू की पुट्टी सब्जी तो मैं इतनी डाल दूंगी बस किसी की समझ में बात नहीं आवेगी दिखाओ मैं सब्जी कितनी डालू मक्की के दाने ले रखे हैं मटर ले रखे टमाटर है आलू दे रहा गाजर है शिमला मिर्च है बीन्स हम तीनों के लिए है बस ये इतनी सारी सब्जी है सब्जी ज्यादा है ना बेटा चावल तो कम है तू तो खा ले एक या चिड़िया बसन कौन दे भाई ये मन है यार ये आलू का पेस्ट अच्छा लगता है कुछ भी थमन पेस्ट तो खाऊंगी चलो 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 बाहर लिखो सब्जी चावल बनाने धर दिए मैंने सारी सब्जी डाल कर पानी गिर कर न अरे भी बन तो धर दिए ढक दूंगी मैं भी ना देखो एक करन लग रही
एक खड़ी है, एक पर डलना करी है। देखिए दोस्तों, चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं और देखो कितने सुतरे बने, जम्मा है, घने सुतरे। सब्जी है, सब्जी निरी सब्जी डाल रखी है। चावल कम है, सब्जी ज्यादा है। चावल कम है और सब्जी ज्यादा है। मैं डाल के खुआ दूंगी, बैठ जाओ उधर भरन बैठो। ये आ गए दो रमलू ठमलू, एक यो मोटा पहलवान और एक यो सुकड़ा पहलवान। मेरे घर में दो हैं पहलवान, सुकड़ा मास्टर और मोटा पहलवान। ये चावल खाएंगे, चोल खाएंगे, चोल चावल खाएंगे। ये भी इनके में डालते हूँ, कति कलरफुल चावल है। जिन्होंने चावल को नहीं आई थी स्प्राउट्स को बाण लग रही हूँ। सब्जी सब्जी दूंगी मैं तो इन्हें आज, तो पहले इन्हें तो थोड़े कम कम डालते हूँ, फिर ये देख लेवेंगे लेवेंगे कि ना लेवेंगे। अरे मैं इसमें डालती हूँ और लोगे और क्या, इतने कम है। हाँ इनमें थारा होता के बेबे हो जाएगा, मैं तो थोड़े खाया करूँ। अच्छा जी, आप पहले भी डाल। तो ये मैंने डाल लिए अपने, बहुत बढ़िया है, बहुत घने बढ़िया बन रहे हैं। तो इतना तो चीटी के लिए भी पेट नहीं भरेगा। हाँ भाई, तुम ताने मारो मेरे पे ताने मारो तुम। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अरे मैं खाना खा रही हूँ तो मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहती, खाने दो। मस्त मस्त सा खाना है। अरे मैं खाना खाऊ हूँ तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद सब ने। और एक बार फिर जय हिंद, राम राम, बाय बाय। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। और कल मैं जाऊंगी मार्केट में जाऊंगी और मैं खरीदूंगी सूट, क्योंकि जो है ना मेरे सासू ससुरे आने वाले हैं और गर्मियों के सूट हो गए थे, एक सीजन चलना है और फिर ना ख़राब से हो जाए मैं, तो थोड़ी पतली भी होगी थी पहले तो ये मैंने पैर के देखे ना तो घने ढीले ढीले से आवे थे, बूंदे लग गए थे। तभी आवेंगे तो उनके आगे तो और घने बूंदे लगेंगे। तो मैं दो तीन सूट खरीद कर ले आऊँगी और मैं दो तीन तो वैसे मैं बोलूँ देखूँगी मैं क्या खरीद कर ले आऊँगी, क्या नहीं खरीद कर ले आऊँगी, पर वीडियो थारे तक जरूर शेयर करूँगी। मैं जाऊँगी थोड़े सस्ते है बाज़ार में और जित मतलब बहुत बढ़िया कपड़ा मिला है पर सस्ते रेटा पर मिला है, तो मैं उसका पूरा का पूरा लिंक शेयर कर दूँगी कल वीडियो डालने के बाद कि कहाँ पर जाकर कैसे कैसे जाकर तुम खरीद सको हो। वैसे देखो मंगोलपुरी की कतरन मार्केट तो है ही है, पर मैं उड़ आज तक गई नहीं हूँ, तो मैंने बेरा कोनी की साख किए है तो मैं उड़ जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि जित मैं गई नहीं हूँ ना मैं थोड़ा डरया करूँ अच क्या करूँ उड़ जाना था। तो कोई वो तो गला चली जाया करूँ, पर है मेरी बेबे है पर हम दोनों डरपोक हाँ। तो मैं हम जित जाया करें ना मार्केट में, मैं जाऊँगी कल जंगपुरा की मार्केट में, वाला क्या करे सोमवार सोमवार ने, तो आज संडे है कल सोमवार है, तो मैं कल जाऊँगी सुबह सुबह काम धाम करके ना इनका सारा खाना पानी तैयार करके ना इन क्लास क्लूस की तैयार करके ना, और मैं चली जाऊँगी और फिर सारे के सारे दिन की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वह वीडियो ज़रूर देखियो और चलो गुड नाइट, राम राम भाई साहब ने खाऊँ खाऊँ मैं ही खाऊँ मेरी छोरी कह है बस ही खाना खा ले माँ तू बहुत और की वीडियो के चक्कर में। बाय बाय बोल दो भाई साहब, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।